Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, आप लोगों ने वो ट्रेंड्स कलेक्शन का वीडियो मैंने डाला था, अभी सेल चल रहा था तो आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया, तो मैंने सोचा अभी मैं ट्रेंड्स में भी शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ का कलेक्शन। ये लाइट क्यों ब्लैक व्हाइट हो रही है पता नहीं चल रहा मुझे। हाँ गाइस, मैं ट्रेंड्स में जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो आप लोगों को भी ले जा रही हूँ मेरे साथ, तो वहाँ का कलेक्शन आप लोग भी देख लो और आप लोगों को कैसा लग रहा है वो कमेंट करके जरूर से बताना, और मैं कुछ लेके आती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम ट्रेंड्स में, इसके बाद आने के बाद मिलती हूँ कलेक्शन वगैरह में क्या है, किस तरफ का है वो सब मैं आपको आने के बाद बताती हूँ। तो लेट्स गो गाइस। मैं पहुंच गई थी जूडियो में और अभी हम जाएंगे अंदर और आप लोगों को दिखाएंगे इसका कलेक्शन कैसा है। तो लेट्स गो गाइस। बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब अंदर जाके पता चलेगा कि कैसा कलेक्शन। ये देखो 899 में मस्त वन पीस था, ब्लैक कलर था और इसमें वाइट भी था, वो मैं आगे दिखाऊंगी। इससे 799 में थे, ये मेरे को बहुत पसंद आया था, पर मेरे को ऐसा डीप नेक वाली चीज़ नहीं पसंद है इसलिए मैंने नहीं लिया। 199 पीस मेरे को बहुत अच्छा लगा था, कलर भी वैसे मेरा फेवरेट वाला है, सब कुछ चीज़ बहुत 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 प्यारी थी। आप लोग एक बार शॉपिंग करना चाह रहे हो तो आप लोग जरूर से जुड़ी जा सकते हो। ए 799 में था और 799 में भी ये मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, 799 वाला ये फिर अच्छा था। 799 में पर्पल वन पीस था जिसमें बैक में भी बहुत ही अच्छी पैटर्न थी, आप देखो लाइक आप कुर्ती के जैसे भी पहन सकते हो। देखो इसके पीछे भी मस्त पैटर्न है, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। 599 में टॉप थे, बहुत ही यूनिक टाइप के अलग अलग। ये ग्रीन वाला भी मेरे को अच्छा लगा था। पहुंच गए कुर्ती वाले सेक्शन में, देखो कुर्ती 499 में कितनी प्यारी प्यारी कुर्ती आए और कलर भी बहुत प्यारा था। ये सब 699 में था, वैसे मैं सबकी प्राइस आपको दिखाई रही हूँ, कोई एक दो चीज़ ही ऐसी होंगी कि जिसकी प्राइस मैं नहीं दिखाऊंगी, वरना मैं जितनी चीज़ दिखाऊंगी सबकी प्राइस आपको बताऊंगी, ताकि आप लोग लेने का सोच रहे हो तो आप यहाँ जाके शॉपिंग कर सको। ऑफिस वेयर के लिए चाहिए या फिर आपको घर में पहनने के लिए चाहिए, डेली रूटीन के लिए चाहिए, तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और वो आपको पता ही है कि जुड़ियो तो सबसे सस्ते ब्रांड है, तो वो तो है ही। ये चप्पल मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, मैंने ट्राई भी किया, तो देखो 399 में। अभी जो बारिश की वजह से बहुत ही अच्छी, और आप लोग बताओ मेरे पैर में सही लग रही है या नहीं। मेरे को अच्छी लगी थी, मैं लेके भी आई हूँ, मैं घर आके आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये सब आपको ऑफिस वाली की भी चाहिए तो 399 में बहुत ही अच्छा है। वैसे मैं ऑफिस नहीं जा रही थी इसलिए मैंने वो वाली ली, अगर मैं ऑफिस जाती तो मैं ये ब्राउन वाली पक्की लेती, मेरे को बहुत पसंद आई थी। और चप्पल में सच बताऊँ तो बहुत 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 वेराइटीज थी, बहुत अलग अलग कलर के, बहुत प्यारे प्यारे। और अभी बारिश के मौसम के हिसाब से जो चप्पल पहनने चाहिए वो तो बहुत ज़्यादा थे, सब भी बहुत ज़्यादा थे। मेरे को चप्पल यहाँ की मैं जिस स्टूडियो में गई थी वहाँ पे मेरे को कपड़े से ज़्यादा चप्पल पसंद आए थे, इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ थी चप्पल में और एकदम रिजनेबल प्राइस में। आपको वैसे लोकल मार्केट में जाओगे ना फिर भी नहीं मिलेगा, इतनी कम प्राइस में मैंने सब भी चप्पल देखी थी। और ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और वैसे भी मेरे को चप्पल का, पर्स का, सनग्लासेस का, ग्लासेस का बहुत 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 शौक है। 299 में ये सब है, देखो कितनी प्यारी है। आपको हर एक क्लोथिस के हिसाब से अलग अलग पहननी हो फिर भी आप खरीद सकते हो, इतनी अच्छी अच्छी, इतनी प्यारी प्यारी और कलर वेराइटीज़ भी बहुत है। अभी फिर से पहुंच गई कुर्ती के सेक्शन में, यहाँ पे 399 में इतनी ज़्यादा कुर्तियाँ थी और सब भी में कलर ऑप्शन बहुत ही थे। अभी फिर से आ गया सूट। आप एक नोटिस करना चीज़ की, यहाँ पे ना कपड़े से ज़्यादा आपको चप्पल ही दिखेगा सच में, शायद ऐसा हो कि मैंने बहुत लिया ना वो वीडियो तो कोई पता नहीं है। तो देखो 199 में ऐसा 200 रुपये में तो आपको लोकल मार्केट में भी इतनी अच्छी चप्पल नहीं मिलती है, क्या कहना आपका? आप मेरे बात से सहमत हो कि नहीं तो बताना मेरे को कमेंट में कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। और आप लोग भी जूडियो से शॉपिंग करते हो कि नहीं? मैं तो करती हूँ, कभी कभी चली जाती हूँ, ऐसे दोपहर में मेरे को टाइम मिलता है। नहीं देखो पहुँच गई थी जूडियो में, ये 399 का टॉप वगैरह था।
और टाइम नहीं करती हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी दूसरे ब्रांड की होती है, पर आपको रेगुलर वेयर के हिसाब से, ऑफिस वेयर के हिसाब से अलग अलग चीज़ें चाहिए तो बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि क्या होता है कि ऑफिस में तो इतने ज़्यादा हमारे कपड़े पे मतलब घसारा वगैरह भी नहीं होता है, तो इसके हिसाब से बहुत अच्छी होती है और अलग अलग पहनने को भी मिलती है क्योंकि इतनी कम प्राइस होती है तो हम एक से एक के बदले दो ले लेते हैं, तो अच्छी बात है ना। 499 शर्ट है हमारे लड़कियों के, मेरे को ये वाला पसंद आया था सर, मैं लेना चाहती थी पर अभी वीडियो देख के याद आया था, मैं तो भूल ही लेने का, मेरे को ये वाला शर्ट लेना था मेरे लिए। 399 में टॉप थे, अभी 199 में टी शर्ट है, इसमें भी कलर ऑप्शन बहुत ही अच्छे थे, आपको नाइट ड्रेस वगैरह के लिए चाहिए ना, तो ये वाली बहुत अच्छी चीज़ है। मैं लाई थी पहले, इसके पहले गई थी, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था, पर अभी मेरे को कहीं पर घूमने नहीं जाना है तो इसको लेके मैं क्या करूँ, इसलिए मैं नहीं लेके आई, वरना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। ये वन पीस भी है, ये अलग अलग टाइप के टॉप वगैरह वन पीस भी था, ये भी अच्छा है देखो वैसे कलर के हिसाब से। मेरे को वाइट चीज़ भी अच्छी लगती है, पर वाइट भी क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत लगती है, हम कुछ अंदर पहनते हैं ना तो वो बाहर दिखता है, इसकी वजह से मैं वाइट नहीं लेके आती, वरना वाइट मेरे को बहुत पसंद है। वाइट पहनते हो तो आप बहुत अच्छे लगते हो सच में, आप नोटिस करना, आप दूसरे कोई कलर पहनो और इसके साथ आप वाइट पहनो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला वन पीस भी मेरे को बहुत अच्छा लगा है, सॉरी आप लोगों को भी शायद अच्छा लगे क्योंकि वहाँ पर जो स्टैचू था इसके ऊपर लगाया हुआ था, देखो मैं बता रही हूँ आपको, तो पहनने में अच्छा लग रहा था। वैसे मेरे पे कैसा लगे क्या वो नहीं पता क्योंकि मैंने ट्राई तो नहीं किया है इसके लिए। देखो 799 में जीन्स भी है, 800 में था, 999 में वन पीस टाइप का था पर थोड़ा डिजाइनर टाइप का था इसलिए इसकी प्राइस 999 थी। और ये वाइट ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था 399 में, बट ट्रांसपेरेंसी दिख जाए तो इसकी वजह से मैंने लिखे, वरना ऐसी चीज़ मेरे को बहुत पसंद है। ये शर्ट वगैरह भी बहुत प्यारा था, देखो जीन्स यहाँ पे साइड में भी एक शर्ट आएगा वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था, पर इसमें कलर ऑप्शन नहीं था तो ये वाला कलर मेरे को नहीं पसंद है। आप लोग बताना ना ये कलर कैसा है, मैं अभी आपको बताऊँ ना, तो ये वाइट मेरे को लेना चाहिए कि नहीं भाई। ये देखो नाइट ड्रेस में भी बहुत वेराइटी थी, 499 में आप शॉर्ट्स वाला था और 699 में पूरी लहंगिया थी और उस टाइप का भी कोई, ये कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा था। लिपस्टिक में भी बहुत 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 शेड थे, लिप ग्लोज में भी बहुत शेड थे, बहुत ही अच्छा लगता है। और नेल पॉलिश में भी, ओह माय गॉड इतने ज़्यादा सेट। और ये देखो सनस्क्रीन का वाइब्स था, मैंने कुछ नया देखा तो मैं तो देख ही आ गई हूँ, आपको घर जाके बताऊँगी। ये लिप बाम वगैरह भी है और अलग अलग फ्लेवर के भी लिप बाम है यहाँ पर, मश्करा आईलाइनर काजल वो सब भी आपको मिल जाएंगे। और मेरी से देखा 199 में तीन लिपस्टिक है छोटी छोटी, देखो शर्ट भी कितना प्यारा है, ये दोनों अलग अलग है आपको पेयर करके लेना पड़ेगा आपको लेना हो तो। ये अंडर गारमेंट की वेराइटी है, पर मैं अंडर गारमेंट का बहुत सूट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली वाले भी वीडियो देखते हैं तो उस पर मेरे को नहीं अच्छा लगता, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्लोज व्यू से नहीं शूट करती हूँ। मैं जाऊँगी ऊपर और ऊपर पहुँच गए, अभी देखते हैं तक्ष के लिए पारस के लिए कुछ अच्छा लगे तो नहीं मिले, वरना तो भी शॉपिंग की उन लोगों की, ये तो मैंने फ्रेंड्स में से ये पैर वाले बहुत अच्छे लगे थे पर अभी तो क्या है कि बारिश की वजह से मच्छर वच्छर बहुत हो गए, तो फिर आधी शॉर्ट्स वाले मैं कम पहनाती हूँ क्योंकि तब उसको मच्छर बहुत ज़्यादा चुभ जाते हैं, वो तो फिर रोने भी लगता है, रात में भी इसको मच्छर काट जाए तो वो तो उठ जाता है नींद में से भी। इसके लिए ये शर्ट तक्ष के पास ऐसे है, तक्ष के मामा लेके आए थे तक्ष की बर्थडे पे, ये शायद तक्ष ने इसके बर्थडे में भी पहना था। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है पिंक कलर का, लड़कियों की तो इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ होती है, ओह माय गॉड मेरे को लड़की के वो कपड़े बहुत पसंद आते हैं, पर क्या करें मेरे पास लड़की नहीं है तो लड़का है मेरा, तो इसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं ले सकते। Yeah.
आपको बताती हूँ मैं शॉपिंग करके आ चुकी हूँ। आप लोग गेस कर सकते हो कि मैं इस सारी चीज दिखाई इसमें से क्या लेके आई हूँ, गेस कर सकते हो। तो मैं आपसे 10 काउंट कर रही हूँ, आप गेस कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं किया ना गेस, कैसे पता चलेगा मैं क्या लेके आई हूँ? क्या पागल वाली बात कर रही है तू भी? आप लोग बोल दो अपेक्षा तू क्या ऐसी चीजें बोल रही है, हमको थोड़ी पता होगा कि इस बैग के अंदर क्या है। ट्रांसपेरेंट बैग थोड़ी है तो हमको पता चला कि इसके अंदर क्या है। सच बताओ तो मेरे को कपड़े में कुछ नहीं पसंद आया है तो मैं कपड़ा तो नहीं लेके आई हूँ। अभी गेस कर सकते हो, आपने देखा वीडियो में, मैं जहाँ पे गई थी ट्रेंड्स में वहाँ पे कपड़े से ज्यादा तो मेरे को जूते लगे। जूते इतने सारे थे, ओह माय गॉड, और बहुत ही अच्छे थे सबके। और अभी वो जो बारिश चल रही है ना मानसून की वजह से, इसके टाइप के बहुत 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 अच्छे अच्छे जूते थे। तो मैं इसमें एक जूते लेके आई हूँ और एक लिप लाइनर लेके आई हूँ और एक सनस्क्रीन का वाइप्स लेके आई हूँ। ये तीन चीज लेके आई हूँ तो मैं तीनों आपको एक एक करके दिखाती हूँ और आप लोगों को बताना है कि मेरा जूता कैसा है। वो लिप लाइनर और वाइप्स तो कोई बताने की चीज नहीं है, पर जूता बता देना कैसा है। पर और सच बताऊँ तो अभी का कलेक्शन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे को एक अच्छे से कुर्ती चाहिए थी और एक नाइट सूट टाइप का बहुत ही अच्छा होना ऐसा चाहिए था, कुछ नहीं मिला मेरे को। ढूंढ ढूंढ के एक जगह पे दो दो बार जाके भी आ गई, फिर भी कुछ नहीं मिला। तो मैंने सोचा अभी कुछ नहीं आए हैं तो एक लेके जाते हैं। तो मैं लेके आई हूँ एक पिंक कलर का, ये हील वाला है। मेरे को ऐसे हील वाले बहुत पसंद है और अभी ये जो बारिश का मौसम है इसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ठीक है। तो मेरे को बहुत पसंद आया इसलिए मैं एक लेके आई हूँ। इसकी प्राइस आप लोगों को वीडियो में दिख जाएगी क्योंकि मैंने वीडियो में दिखाया, इसमें दूसरा कलर भी था और बहुत अलग अलग वेराइटी थी, पर मेरे को सबसे ज़्यादा ये पसंद आ गए तो मैं ये लेके आई। इसके बाद एक वो ट्रैवलिंग के लिए हमारे पर्स वगैरह में रख सके ना ऐसा है, सनस्क्रीन के वाइप्स है। मैंने पहली बार सुना है सनस्क्रीन वाइप्स, तो मैंने सोचा चलो लेते हैं और ट्राई करते हैं। इसके अंदर 15 पीस आते हैं, ऐसा हम ऐसे करेंगे बाहर जाके जब आएंगे या फिर बाहर जा रहे होते हैं तो इससे पहले वाइप्स अपने फेस को करके जाएंगे ताकि हमारा फेस को सन से प्रोटेक्ट मिले। अभी तो बारिश की वजह से बहुत सन नहीं आ रहा, पर जब आएंगे तब यूज़ करेंगे और आपको नेक्स्ट कब कोई भी वीडियो में इसका रिव्यू बताएंगे। इसके बाद एक लिप लाइनर लेके आई हूँ। मेरे को पर्सनली लिप लाइनर बहुत पसंद है, मैं जब से मेरी समझ आई और जब से मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले मैं लिप लाइनर ही ओनली यूज़ करती थी। मेरे को बहुत पसंद है लिप लाइनर। तो आप लोग क्या सोच रहे हो, कैसा लग रहा है और मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी इतनी सी, वो कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा पूरा वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी नई नई जानकारी मिलेंगी मेरे वीडियो में से, तो प्लीज़ वीडियो देखो, आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो। मेरी कुछ गलती है तो आप लोग मेरे रिलेटिव हो, यूट्यूब फैमिली वाले हो, तो आप मेरे को कुछ सजेशन करना हो, कुछ गलती सुधारना हो तो वो सब बता सकते हो। मैं आप सबकी बातें एक्सेप्ट करूँगी, सबकी बातें मानूंगी। बस आप लोगों को ऐसे ही प्यार अपना बरसाते रहना है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। जिन जिन लोगों को इस टाइप के वीडियो की नीड है उनको तो जरूर से शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। जैसे हमारे जैसी लड़कियों हो जिनको ऐसा हो कि हमको वीडियो में शॉपिंग करने जाना है पर कलेक्शन कैसा होगा वो सोच सोच के नहीं जाती होती है, तो आपको ऐसा करना है कि वो सब लड़कियों को मेरा ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो लोग भी जाके आ जाए और शॉपिंग करके आ जाए। तो आप भी शॉपिंग करके आओ वीडियो में से और आपका एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करो। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जाना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से पहले लाइक कर दो, इसके बाद कॉमेंट कर दो, फिर शेयर कर दो और फिर सब्सक्राइब तो किया है कि नहीं वो भी करते जाना। बाय गाइस, फिर मिलेंगे कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ, आपकी प्यारी अपेक्षा का बाय, लव यू, बाय।